हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब बेटा? आज मैं सिक्स में आपके लिए ग्रामर क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि अपना फिफ्थ तक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। और फिर फिफ्थ तक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैंने आपके उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह PDF भी भेज दिए, वर्कबुक भी पूरी फिल करके मैंने आपको भेजी है। आप पूरा प्लीज़ पूरा कंप्लीट कर देना अपना PDF, नोटबुक्स वगैरह, और वर्कबुक में भी फिल कर देना, नोटबुक में भी कंप्लीट कर देना। ओके बेटा, अपना काम कुछ भी पेंडिंग मत रखना, क्योंकि आगे फिर से एग्ज़ाम होने वाली है आपकी, जिसे 3 चैप्टर्स की चली थी। अब की बार आपकी 5th चैप्टर, मतलब पूरे 5th चैप्टर की चलेगी, और वो भी क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो चैप्टर्स में से आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं, जो वर्कबुक में है वही लर्न कर लोगे, ये सब कुछ नहीं चलेगा। वो तो लर्न करने ही है, पर चैप्टर्स के अंदर से भी आ सकते हैं, इसलिए आपको वो भी लर्न, पूरा चैप्टर लर्न होना चाहिए। जो भी है बार बार पढ़ना बेटा। ओके, आज मैं आपके लिए ग्रामर लेके हूँ। ग्रामर व्याकरण में जैसे क्रिया है, वर्ब बोलते हैं अपने जैसे इंग्लिश में, और वैसे क्रिया है। क्रिया के साथ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वर्ड को जोड़ के जो मैंने सेंटेंस बनाए हैं, जो वाक्य प्रयोग किए हैं, वो मैं समझाती हूँ। पहले आप क्रिया देख लीजिए, क्रिया में क्या क्या है। गच्छ यानी जाना, वद यानी बोलना, खाद यानी खाना, नृत्य यानी नाचना, हंस यानी हंसना। ओके, ये जो गच्छति, वदति, खादति, नृत्यति, हंसति, ये वर्ड लगा के मैंने जो सेंटेंस बनाया है, वो मैं आपको आज बताऊंगी कि क्रिया के साथ जो नेम, जैसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नेम जो उनके जो सेंटेंस बनाते हैं, इसके साथ अपना नाम भी जोड़ के आप बना सकते हो। जैसे किसी का नाम महेश है, सुरेश है, जैसे स्त्रीलिंग में ता वर्ड होता है अंत में, देखना कभी भी हो ता वर्ड, आ की ध्वनि आनी चाहिए, और पुल्लिंग में अ की ध्वनि आती है। ओके, जैसे पुल्लिंग में है राम, महेश, सुरेश, श्याम, मोहन, सोहन। ओके, ये 2 डॉट हैं, विसर्ग ह बोलते हैं इसको। स्त्रीलिंग में सीता, गीता, रीता, नीता, सुनीता इत्यादि शब्द हैं, उसी का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के वर्ड को मिला के मैंने जो ये क्रियाएं हैं, जो वर्ब्स हैं, वो लिए हैं और सेंटेंस बनाए। कुछ क्रियाएं रहने दी हैं, वो आपके लिए होमवर्क में मैंने डाली है। आप अपने मन से भी नाम और क्रियाएं ले सकते हैं और बना सकते हैं सेंटेंस। चैप्टर में बहुत सारी क्रियाएँ दी गई हैं। ओके, सो स्टार्ट मैक सेंटेंस, राम, सीता, रमेश इत्यादि। ओके, ये नाउन है, नाउन क्या है? राम, सीता, रमेश, सुरेश, की कुछ भी नाम आ गया, ये सब क्या है? नाउन है। और प्रनाउन में सह या सा, जो राम वह एक लड़का है तो सह लगता है, और सीता का सा लगता है। ओके, फिर वाक्य प्रयोग, राम गच्छति, राम जाता है, राम गोज, सह गच्छति, वह जाता है, ही इज गोज, कौन जाता है? सह गच्छति, राम जाता है। सीता वदति, सीता स्पीक्स, सा वदति, शी स्पीक्स, महेश खादति, महेश ईट्स, सह खादति, ही ईट्स। ओके, उसी के अनुसार मैंने ये कुछ ओनली वाक्य थोड़े ही मैंने 3 या 4 ही बनाए, उसी के अनुसार आप सह सा, स्त्रीलिंग के लिए सा लगता है ये याद रखना, पुल्लिंग के लिए सह लगता है। ओके, उसी के साथ आपको ये सेंटेंस जो होमवर्क में सुरेश, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, रीता इत्यादि डाले हैं, उसके साथ जो वर्ब्स डाली हैं, नृत्यति, हंसति, आगच्छति, उसके सेंटेंस बनाने। ओके, आपको मैक्स सेंटेंस उनके बना देने हैं, जिसके साथ आपको ये वर्ब्स यूज़ करनी है, वर्ब, और वर्ब के साथ ये आपको नेम यूज़ करने, सुरेश, श्याम, और ये आपका होमवर्क है। ओके बेटा, बाय।